विशेष बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रही हमीरपुर की पहचान एनजीओ ने वार्षिक समारोह का आयोजन किया। वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला कल्याण अधिकारी संजीव कुमार ने शिरकत की। इस अवसर पर विशेष बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। कार्यक्रम में पहचान संस्था के अध्यक्ष नरेश ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि जिला कल्याण अधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि विशेष बच्चों की संस्था के वार्षिक समारोह में बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि संस्था बहुत ही बढ़िया काम कर रही है और संस्था बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में काम कर रही है। डिसेबल स्पेशली मेंटल टारगेट पर्सन से रिलेटेड है, स्पेशली एबिलिटी पर्सन से, उसका एनुअल फंक्शन है जिसमें उनके 17 बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है। और ये बच्चे जो है पिछले साल से भी बेटर कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग यही होता है कि बच्चे जो हैं हमारी एनजीओ में जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें जो बच्चे सीवियर कैटेगरी के भी 70% से ऊपर डिसेबिलिटी वाले भी हैं, वो भी आज इंडिपेंडेंट हैं। तो मैं सोसाइटी में अपने सभी भाई बहनों से अपने और अनुरोध करूंगा कि आप पहचान एनजीओ में अपने बच्चों को भेजें, जिससे कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें और सेल्फ डिपेंडेंट बने। क्योंकि सोसाइटी में बहुत से ऐसे हमारी इस कैटेगरी के बच्चे देखे गए हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं पेरेंट्स। तो हमारी पहचान एनजीओ जो है उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है, एक प्लेटफॉर्म दे रही है, तो उसको ज़रूर अवेल करें। और मैं साथ में ही एनजीओ के प्रधान श्री नरेश ठाकुर जी व इनके जो प्रबंधक हैं चेतना जी, उनको बधाई देता हूं कि वो बड़ा अच्छा यहां पे काम कर रहे हैं। और चेतना के बच्चे जो हैं पहचान के जो बच्चे जो हैं हमारी अन्य संस्थाओं की तरह जो है काम कर रहे हैं, और उनकी तरह एक अपने आप को इंडिपेंडेंट सोसाइटी में जो आम बच्चे हैं उनकी तरह हमारे विशेष योग्यता वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। वहीं संस्था के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ सालों से पहचान संस्था में अक्षम बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अक्षम बच्चों के प्रति लोगों को अपना व्यवहार बदलना होगा और जहां भी अक्षम बच्चे हों उन्हें पहचान संस्था में लाएं, ताकि ऐसे बच्चे समाज से पिछड़ न सकें। हमारी पहचान संस्था है, हमारा मेन मुख्य उद्देश्य जो हमारा ही बच्चे हैं समाज के अंदर, उनको एक पहचान देना, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने और आत्मनिर्भर बनकर इस समाज में वो अपनी एक पहचान बनाएं, उसके लिए ही हमारी जो संस्था है वो कार्य कर रही है। और आज का जो कार्यक्रम है वो जब बच्चों ने मोमबत्तियाँ फिर एनवल और ऐसी जो चीज़ें उन्होंने खुद तैयार की, जिससे लगता है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, सीख रहे हैं, और आने वाले कल में जब वो समाज में जाएंगे तो उनका एक अपनी अहम भूमिका रहेगी समाज के अंदर। तो मेरी सभी जितने भी समाज के अंदर सभी से अनुरोध है कि ऐसे बच्चे जो MRI बच्चे हैं उनको पहचान संस्था में लाएं और उन बच्चों को आत्मनिर्भर करें। जो मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव शर्मा जी जिला कल्याण अधिकारी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और इनकी तरफ से भी हमें काफ़ी सहयोग मिलता है और आगे चलकर भी हम इनसे सहयोग।